करेंगे पंजाब बीजेपी प्रधान जाखड़ दी पंजाब सरकार तो मांग है फसलों के नुकसान दे लई किसानों दे लई मुआवजे दी मांग की गई है 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा देवे पंजाब सरकार। सुनील जाखड़ जो कि पंजाब बीजेपी के नवे प्रधान बने ने, सुनील जाखड़ ने यह मांग की है सरकार तो कि किसानों उन्हां दियां फसलां जो बर्बाद हुई ने 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा उन्होंने दिता जाए पंजाब सरकार दे वल्लों। केंद्री फंडां नूं वंडन दे लई गिरदावरी दी उडीक ना करे सरकार, सो यह अपील की गई है सुनील जाखड़ दे वल्लों तां जो पंजाब दे लोक जड़े इस वक्त आर्थिक स्थिति तो भी आर्थिक संकट तो भी जूझ रहे ने जड़े किसान उन्हां दी मदद करे पंजाब सरकार। सुनील जाखड़ ने अपील की है। बी हजार प्रति एकड़ देन की अपील की गई है पंजाब बीजेपी प्रधान जाखड़ की पंजाब सरकार तो मंग है। वधेरे जानकारी देने दे मनोज जोशी फोन लाइन ते ने। मनोज की कहना है सुनील जाखड़ वालों मंग की गई है किसानों के लिए 20,000 प्रति एकड़ मुआवजे की। बिल्कुल, जो सुनील जाखड़ ने बीजेपी के नवे प्रधान बने ने उन्होंने वालों पहली गल तो यही दसी गई है कि जो प्रधानमंत्री है देश 218 करोड़ रुपया जोड़ा है वह पंजाब वास्ते जारी किया, धन्यवाद किया। उन्होंने पंजाब सरकार ने कहा कि जेडे कि किसान ने उन्होंने 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से जोड़ा मुआवजा दिता जाए। उन्होंने मकसद से कि केंद्र तो ग्रांट आ गई है तो सानू पैसे इस वक्त पहुंच गए, तुम दुबर देने शुरू करो। वो बेसिकली उन्होंने ये गल कही है। उन्होंने थोड़ी जी जो भगवंत मान ने उन्होंने पर भी कटाक्ष किया, उन्होंने कहा जो पूरा पंजाब जोड़ा वो हड़ा की मार देगा, सारे पंजाब के लोग पानी पानी हो हर जगह पानी पहुंचा सगा। उस टाइम यह जो मुख्यमंत्री थे भगवंत मान जी केजरीवाल हरियाणा के पंचकूला के हिस्सा मंग रहे थे, वोटरी राजनीति कर रहे थे। उन्होंने भी घटा लिया, उन्होंने कही है कि जो असं जो पंजाब के लोग हैं मुख्यमंत्री उठे जाते उन्होंने कहा भी एक गल उन्होंने ठीक नहीं लगती। तो दूजी गल उन्होंने केंद्र की जितना है कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने पिट भी सख्त पाई थी। मकसद एक सगा कि जो पंजाब के किसान है वो दसना चाहते भी केंद्र तो पैसा आ गया हूँ पंजाब के किसानों 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से भर दो, ये उन्होंने अपने जो है डिमांड की हैगी है। जी जी मनोज, जेकर गल करिए कि सरकार दे वल्लों हुण तक कुछ ऐलान किया गया गिरदावरी दे लई या कुछ भी, हालांकि सारे मंत्री विधायक सीएम मान खुद भी लोगों के विच उन्हां दियां समस्यावां जानने दे लई ग्राउंड लेवल ते जा रहे ने। बिल्कुल, जो हले उसके सीएम मान ने जाके देख रहे हैं जिदों पूरा भी जायजा दे रहे हैं, तो उस तो बाद जे है जे डीसी जी कहा गया कि जिते इतने ज्यादा नुकसान है वो डिटेल रिपोर्ट चेक की जाए, तो जिते इस लगेगा कि इन्हों की जी फसल ज्यादा नुकसानी गई ने फिर वो जे ने अपने जे पटवारी होंगे ने या रेवन्यू डिपार्टमेंट उसके थ्रू यह गिरफ्तारी कराई जाती है। हाले कोई गिरफ्तारी के कोई इदा के ऑर्डर नहीं होंगे, पर जी फसल ने उन्होंने जायजा लिया जा रहा, डीसी जे ले रहे हैं उन्होंने कहा गया है। चीफ सैकटरी भी जे अनुराग वर्मा उन्होंने मतलब भी स्पष्ट करते गया सारे डीसी को कि जिते भी नुकसान है वह जायजा लगा के वो जी डिटेल चेक की जाए ताकि जो सरकार है वह भेजी जा सके तो वह जी मुआवजा है वह देना है कि देना कि जिंदा देना से कि चीज़ का मुआवजा बनता वो जी है पूरी डिटेल तैयार करके सरकार को भेजी जाए। जी जी मनोज, इस तो इलावा जिस तरह विरोधियों के वालों लगातार सरकार नु घेरा पाया जा रहा है, हालांकि सीएम मान कह रहे हैं कि पहला मेरा काम है मेरे लोगों नु बचाना, उस तो बाद मैं तो राजनीतिक सवालों के जवाब देवांगा, तो होर भी केड़े विरोधी ने जो कि इस तरह के सवाल चुक रहे हैं। बिल्कुल, जो अकाली दल है उसके वालों भी सवाल चुके गए हैं, जो कांग्रेस की चाहे राजा बड़ेगा चाहे प्रताप सिंह बाजवा ने चाहे सुखबीर सिंह बादल ने सारे मतलब की जे है भगवंत मान के उपर सवाल दिता कई गिर कहते कि प्रबंध जे नाकाफी ने, तो दूजी गल कि जुलाई के महीने में कभी भी इदा की हालत की स्थिति नहीं बनी कभी भी, तो जी बारिश थी एकदम हो गई है तो सारे जी साल च बारिश पैती है वो 50% जी वर्ष की एकदम आ गई है, तो सरकार में किसी को नहीं अनुमान कि इदा की बारिश पेगी, तो अंदाजा यही होंगे कि अगस्त जुला अगस्त ज्यादा, पर यह कि जो मान कह रहे हैं वह जवाब देने बाकी, पर जे सारे पार्टी के विरोधी धिर ने हमलावर है। जी जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया वधेरे जानकारी देने के लिए।